आएगा बेटा। चलिए जी, हम लाइव प्रोसेसेस की, वी आर डूइंग असर्शन रीजन एंड द स्टूडेंट विल कम। तान्या, तान्या इज देयर? टेंथ है, आ जाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑर्गेनिज्म ए इज पार्शियल हेटरोट्रॉफ। पार्शियल हेटरोट्रॉफ का क्या मतलब है बेटा? कि वो फोटोसिंथेसिस भी कर रहा है बट इट इज टेकिंग सम न्यूट्रिएंट फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ग्रीन है, फोटोसिंथेटिक प्लांट है बट टेकिंग सम न्यूट्रिएंट फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो कौन सा ये ऑर्गेनिज्म हो सकता है पहले ये बताइए। पहले बेटा तान्या मुझे आपने बताना है पार्शियल हेटरोट्रॉफ्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ऑप्शन ए है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, पीएल मीन प्लांट्स, फिर उसके बाद है मशरूम, देन कस्क्यूटा इज पैरासिटिक प्लांट, और चौथा कुछ और भी है। आप इन तीनों में से बताओ। पार्शियल हेटरोट्रॉफ जो ग्रीन है और फोटोसिंथेसाइज करते हैं। यस, हाँ जी, कोई सा बताओ। इसमें 7th क्लास का क्वेश्चन है वैसे ये। यस तान्या, यस एनीबडी, जल्दी से। नहीं पता, कोई बात नहीं, बैठो बेटा। एनीबडी हु कैन टेल मी बेटा, जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं, जैसे पिचर प्लांट है, ये 7th क्लास में आपने पढ़ा है। आई थिंक 7th क्लास आपकी कोविड में हो गई होगी इसलिए भूल गए। पिचर प्लांट, पिचर प्लांट क्या है बेटा? निपेंथियस, फ्लाई ट्रैप, वीनस फ्लाई ट्रैप, ये सब क्या है? दिस इज इंसेक्टिवोरस प्लांट, दीज आर ग्रीन एंड फोटोसिंथेटिक, बट किल इंसेक्ट्स टू ऑब्टेन नाइट्रोजन फ्रॉम देम, नाइट्रोजन और प्रोटीन फ्रॉम देम, क्योंकि वो ऐसी सॉइल में रहते हैं जहां पे नाइट्रोजन नहीं होती, देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन, तो इसलिए वो नाइट्रोजन लेने के लिए इंसेक्ट्स को किल करते हैं, अदरवाइज दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन, सो दे आर पार्शियल हेटरोट्रॉप्स। हेटरोट्रॉप्स क्या है? जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट है फॉर फूड, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, बट फॉर वन न्यूट्रिएंट नाइट्रोजन दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिजम दैट इज इंसेक्ट्स, राइट? वो सॉयल में से नहीं एब्जॉर्ब करते, वो इंसेक्ट्स को खा जाते। ऑर्गेनिज्म ए टेक्स फ्यू कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स फ्रॉम, कॉम्प्लेक्स मीन्स सच एज प्रोटीन्स, व्हिच इज प्रिपेयर्ड बाय अदर ऑर्गेनिज्म सच एज इंसेक्ट्स। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। रीजन असर्शन की चारों ऑप्शंस आपको पता है, यस और नो? यस है ना, असर्शन करेक्ट, रीजन करेक्ट, रीजन एक्सप्लेन असर्शन, बी ऑप्शन है असर्शन करेक्ट, रीजन करेक्ट, बट रीजन डज नॉट एक्सप्लेन असर्शन, सी ऑप्शन है असर्शन करेक्ट, रीजन इस स्टेटमेंट गलत है, और डी ऑप्शन है कि असर्शन की स्टेटमेंट गलत है, रीजन की स्टेटमेंट ठीक है। दीज आर द फोर। देन क्वेश्चन नंबर 2, कृतिका, कृतिका जल्दी से, 10th है। डाइजेशन इज इन, हाँ जी, थर्ड, 10th है में से ही, माही से मैंने पूछना है, इसलिए तैयार करके रखे, बट पहले दूसरा सुन ले। हाँ जी कृतिका, डाइजेशन इज ए हाइड्रोलिटिक प्रोसेस वेयर अ सेल रेस्पिरेशन इज एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस, यस और नो? यस मैम, दिस इज करेक्ट। हाइड्रोलिसिस का मतलब है ब्रेक डाउन बाय सप्लाइंग वाटर,
सो डाइजेशन जो है हाइड्रोलिटिक, जबकि जो रेस्पिरेशन है जिसमें ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटता है, दैट इज एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस. बोथ डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन रिलीज एनर्जी. दिस इज करेक्ट और इनकरेक्ट? दिस इज करेक्ट. रेस्पिरेशन तो एनर्जी रिलीज करती है, डाइजेशन भी एनर्जी रिलीज करती है. नो डाइजेशन. नहीं, असर्शन करेक्ट है बेटा, रीजन रॉन्ग है. आपको लंच के बाद जब आप खाना खाकर आते हो और जब हमारी क्लास लगाते हो मैथ्स की, तो कितनी सुस्ती आ जाती है. आ जाती है कि नहीं? बट फिर भी चलो मैम तुम्हें डांट डपट के क्लास जो है वो लगवाती है, राइट? तो सुस्ती क्यों आती है, इसमें आपका कसूर नहीं है, क्योंकि जो है हम इतने परांठे और ये सब खाते हैं, उससे क्या है डाइजेशन, उसकी डाइजेशन में एनर्जी कंज्यूम हो जाती है, इसलिए ब्रेन को ऑक्सीजन कम मिलती. डू यू गेट मी? तो इसलिए डाइजेशन कंज्यूम्स एनर्जी, रेस्पिरेशन रिलीजेस एनर्जी. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. बैठो कृतिका. देन माही. यस माही, क्विक क्वेश्चन नंबर थर्ड. बेटा यहाँ पे लिखते जाना है, क्यों गलत है क्यों सही है. हम सब ने नोबडी, देखो आप सब कोई रिटार्डेड बच्चे थोड़ी हो. आप में से कोई भी रिटार्डेड, किसी का भी, किसी को डाउन सिंड्रोम, किसी को मेंटल रिटार्डनेस, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. यू ऑल स्टूडेंट्स आर हेल्दी एंड आई विश एवरीबडी, एवरी चाइल्ड शुड बी हेल्दी. तो आप सबका आईक्यू बिल्कुल नॉर्मल है, आप सब ठीक ठाक हो, आईक्यू नॉर्मल है. इसलिए कोई भी एवरेज स्टूडेंट, बिलो एवरेज, अबव एवरेज, कोई डिफरेंशिएट नहीं है, ठीक है? ऑल ऑफ यू आर वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, सिर्फ कंसंट्रेशन की बात, ठीक है? इसलिए एवरीबॉडी शुड कंसंट्रेट. यस माही. क्वेश्चन नंबर थर्ड. डेफिशिएंसी ऑफ एसिड इन स्टमक अफेक्ट्स द डाइजेशन ऑफ फैट्स. जो हमारे स्टमक में एचसीएल होता है उसका फंक्शन सोच के मुझे बताओ कि क्या ये स्टेटमेंट ठीक है कि गलत है बेटा. HCl provide acidity to acidity which activate the pepsin to pepsogen which digest proteins. वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड माही. माही ने बहुत ही अच्छा आंसर दिया है. दिस इज ऑप्शन, जो ये असर्शन है ये रॉन्ग है. फैट्स को नहीं, ये प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है. बिल्कुल ठीक है. इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स इज डन बाय एचसीएल. दिस इज हाँ, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. तो बी चॉइस बेटा ये भी हो जाती है कई बार कि दोनों ही गलत है, तब भी हम बी चॉइस कह देते हैं, ठीक है? तो ये दोनों स्टेटमेंट्स जो है ये गलत है. इमल्सिफिकेशन क्या होता है? लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को छोटी छोटी फैट ड्रॉपलेट्स में तोड़ना. कौन करता है माही इमल्सिफिकेशन? बैठो, माही को नहीं याद है. सो इट इज डन बाय बाइल. इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स लिख लो साइड में, है ना, याद रहेगा. माही बैठो बेटा, सीट टेक योर सीट. सो दिस इज फैट ग्लोब्यूल, लार्ज फैट ग्लोब्यूल, टूटता है बाइल की हेल्प से इनटू फैट ड्रॉपलेट्स. क्या फंक्शन है इसका? इसका फंक्शन है कि ये सरफेस एरिया इंक्रीज करता है फैट ग्लोब्यूल का. जब हम च्यूइंग करते हैं, च्यूइंग का क्या फायदा है? लार्ज पोर्शन ऑफ द फूड इट इज ब्रोकन डाउन इंटू स्मॉल 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 पार्ट्स. इससे जब ब्रेक डाउन होता है तो नए सरफेसेस क्रिएट है, इंक्रीज इन सरफेस एरिया फॉर मोर एक्शन ऑफ द एंजाइम, ठीक है? तो इमल्सिफिकेशन का क्या फंक्शन है? इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया फॉर मोर एक्शन ऑफ लाइपेज, एंजाइम लाइपेज. एंड कैन एनीबडी टेल मी कि लाइपेज कौन से जूस में है? गैस्ट्रिक जूस में है, पेनक्रियाटिक जूस में है, बाइल में है, कि इंटेस्टाइनल जूस में है? 10th B जूस बाइल जूस में तो बेटा कोई एंजाइम नहीं होता, इट इज पेनक्रियाटिक जूस, ठीक है? ध्यान से देखो जरा, इस सलाइवा में कौन सा एंजाइम है? एवरीबॉडी, अमाइलेज. यस इट इज अमाइलेज.
गैस्ट्रिक जूस में कौन सा एंजाइम है? हाँ यस एवरीबॉडी, पेप्सिन, बिल्कुल ठीक है, पेप्सिन है और इसके साथ एफसीएल भी है और एक रेनिन भी होता है, चलिए दैट इज अ सेपरेट। उसके बाद बाइल, बाइल नो एंजाइम, फिर क्या प्रेजेंट है इसमें? बाइल सॉल्ट्स है, क्या करते हैं? इमल्सिफिकेशन करते हैं, जो हमारा काम च्यूइंग करती है, जो हमारा दांत करते हैं, वो फिर ये थोड़ा सा और मॉलिक्यूलर लेवल पे लार्ज फैट ग्लोब्यूल को छोटे छोटे फैट ड्रॉपलेट में तोड़ते हैं, इमल्सिफिकेशन। तो आपसे कोई पूछ सकता है, बाइल डज नॉट हैव एनी एंजाइम बट इट टेक्स, लिखो जरा क्वेश्चन लिखिए, बाइल डज नॉट कंटेन एनी एंजाइम बट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन, बट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन, हाउ, कैसे? तो सबसे पहला है कि बाइल सॉल्ट्स बाइल सॉल्ट्स कॉजेस इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, दूसरा बाइल सॉल्ट न्यूट्रलाइजेस एसिडिक फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। बेटा स्टमक में क्योंकि बहुत ज्यादा एचसीएल है, तो जब वो फूड सेमी डाइजेस्टेड फूड जब इंटेस्टाइन में होता है तो उसकी कंसेंट, उसका पीएच क्या होगा? लो होगा, वो एसिडिक होगा, ठीक है? तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, क्योंकि इंटेस्टाइन में जो एंजाइम्स है वो एसिडिक पीएच पे काम नहीं करते, इसलिए वो एसिडिक फूड को न्यूट्रलाइज करने के लिए बाइल सॉल्ट्स, बाइल सॉल्ट्स आर बेसिक इन नेचर, राइट? तो यहाँ पे आप लिख सकते हो दीज आर बेसिक इन नेचर। सोडियम सॉल्ट्स है, और आपको पता है सोडियम सॉल्ट्स वैसे ही बेसिक होते हैं, तो दे न्यूट्रलाइज एसिडिक, तो वाई बाइल सर। और अगर आपसे पूछा जा सकता है अनदर, नो बाइल डाइजेशन ऑफ विच फूड, फूड कंपोनेंट इज अफेक्टेड, लिख लो ये भी और आंसर भी मुझे बताओ। फैट्स, वेरी गुड वेरी गुड, दैट्स फैट्स, ठीक है जी। तो ये बाइल हो गया, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है पेनक्रियाटिक जूस, पेनक्रियाटिक जूस में क्या प्रेजेंट है? ट्रिप्सिन, एक होता है ट्रिप्सिन, और ये क्या करता है? डाइजेस्ट प्रोटीन्स, प्रोटीन वेरी गुड वेरी गुड, और साथ में लाइपेज, वेरी इंपॉर्टेंट, लाइपेज जो है वो सिर्फ और सिर्फ पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट कर रहा है, तो डाइजेस्ट फैट्स। लाइपेज मतलब लिपिड्स, लिपिड्स को जो, लिपिड्स मतलब फैट्स, फैट्स एंड लिपिड्स वन एंड द सेम। तो जैसे बाइल का क्या है? इफ नो पेनक्रिया देन डाइजेशन ऑफ विच फूड कॉम्पोनेंट इज मेनली अफेक्टेड, यहाँ भी फैट्स आएगा। बेटा प्रोटीन्स क्यों नहीं आएगा? क्योंकि प्रोटीन्स को और कौन डाइजेस्ट कर रहा है? पेप्सिन भी डाइजेस्ट कर रहा है, इसलिए फैट्स को तो और कोई नहीं डाइजेस्ट कर रहा, सिर्फ पेनक्रियाटिक जूस डाइजेस्ट। क्लियर एवरीबॉडी? क्लियर, वेरी यस गुड। और उसके बाद आ जाता है इंटेस्टाइनल जूस,
ये जो भी प्रोटीन्स एंड स्टार्च डाइजेस्ट हो रही है वो पार्शियल हो रहे हैं। इसमें बहुत सारे एंजाइम्स, मेनी एंजाइम्स विच कंप्लीटली डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। फैट्स को तो पेनक्रियाटिक जूस ने ही पूरा डाइजेस्ट करती है, जबकि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स जो पार्शियली डाइजेस्ट थे वो इंटेस्टाइनल जूस ने डाइजेस्ट कर। एवरीबडी क्लियर? यस ठीक है, तो पेनक्रियाटिक जूस जो है इट हैज प्रोटीएजेस एंड इट हैज लाइपेजेस। पेनक्रियाटिक जूस डज नॉट प्ले एनी रोल इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। लिख लो, पेनक्रिया या ये लिखो, पेनक्रियाटिक जूस मेनली हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स या फैट्स। ठीक है जी, और अगर द मूवमेंट दैट हेल्प्स इन मूविंग फूड फ्रॉम माउथ टू वर्ड्स एनस दैट इज कॉल्ड एज, इट इज कॉल्ड एज पेरिस्टेल्सिस। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड रिवर्स पेरिस्टेल्सिस? जल्दी से, यस, ड्यूरिंग वोमिटिंग देयर अकर्स रिवर्स पेरिस्टेल्सिस। Is it okay? चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 5। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इन द सेल्स रिलीज बायोलॉजिकल यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी, यस और नो? विच इज बायोलॉजिकली यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी? इट इज एटीपी। बायोलॉजिकली यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी इज एटीपी, ऑल्सो कॉल्ड एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, जिसको सेल यूज कर सकता है, उसकी करेंसी है ये। और ये कहाँ पे बनती है? ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मीन्स ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन, फॉर्म CO2 वाटर प्लस एटी। सो क्वेश्चन नंबर 5, असर्शन इज करेक्ट। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मे अकर इन प्रेजेंस और, आर लिखा हुआ है और कर लीजिए, और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, करेक्ट? यस, दिस इज आल्सो ट्रू। ठीक है, सो बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट। ठीक है, बट रीजन डज नॉट एक्सप्लेन असर्शन, ऑप्शन बी है इसका। क्वेश्चन नंबर 5, आंसर इज बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 6, एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, यस और नो? यस, ओनली एनिमल सेल्स प्रोड्यूस एटीपी, करेक्ट कि इनकरेक्ट? इनकरेक्ट। इनकरेक्ट, एवरी लिविंग सेल रिक्वायर्स एंड प्रोड्यूस एटीपी। सो क्वेश्चन नंबर 6, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, 10th बी में से अब मेरे पास आंसर आना चाहिए। 10th बी है बच्चे, कमल प्रीत। कमल प्रीत इज देयर? एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूस मोर एनर्जी, करेक्ट कि इनकरेक्ट? एरोबिक मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। हाँ जी कमल, दर्शन इज ट्रू, असर्शन इज ट्रू। इन एरोबिक रेस्पिरेशन देयर अकर्स कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड, ट्रू की फॉल्स? फॉल्स।
इनकम्प्लीट होता है, आधा पे ज्यादा टूटता है। आप यहाँ पर देखिए कि ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर है, क्या ये कंप्लीट ब्रेकडाउन है कि इनकम्प्लीट है? कंप्लीट कंप्लीट तो ठीक है ना बेटा, एरोबिक, ध्यान से मेरी बात सुननी है यहाँ पर। एक तो ये है एरोबिक, और दूसरा ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एल्कोहल बनता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एटीपी। एल्कोहल स्टिल हैज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो ये है इनकम्प्लीट। एरोबिक में कंप्लीट ब्रेकडाउन है, एनारोबिक में इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन है। क्योंकि कंप्लीट ब्रेकडाउन है तो हम क्या कहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन रिलीजेस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। व्हाई? बिकॉज इन एरोबिक रेस्पिरेशन देयर इज कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ। तो ऑप्शन ए की बी, ए ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, ऑप्शन ए, बैठो कमल। क्वेश्चन नंबर 8, यस, हु विल टेल मी? रिमता, रिमता इज देयर, 10th बी, वेरी गुड। ध्यान से देख लो एक बार, आ जाओ बाहर, आ जाओ, क्वेश्चन देखो आराम से। पानी गर्म हो जाए, पहली बात तो जो फिशेज है, लेट अस से फिशेज की हम बात करते हैं। फिशेज में क्या है बेटा, दे माउथ से वॉटर, टेक वॉटर इन। वॉटर मूव्स ओवर गिल्स, मुंह से पानी गया, यहां पे उनके गिल्स हैं, उनके ऊपर मूव कर रहा है पानी। गैसियस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड वॉटर अकर्स एट गिल्स। ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड वॉटर में चला जाता है, और वॉटर से ऑक्सीजन गिल्स में आ जाता है, एंड CO2 रिच वॉटर कम्स आउट टू गिल्स। पानी मुंह से गया गिल्स में, और गिल्स से गिल स्लिट्स के थ्रू टू गिल स्लिट्स कह दीजिए, गिल स्लिट्स के थ्रू पानी जो है वो बाहर आ रहा है, राइट? तो इसका क्या मतलब है कि फिशेज या एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स टेक ऑक्सीजन विच इज डिजोल्व इन वॉटर, पहली बात तो ये, ठीक है? अब आपने मुझे ये बताना है, यहाँ क्वेश्चन में यही है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या ऑक्सीजन की सोलुबिलिटी पानी में बढ़ती है या कम होती है, आप बताइए। कम होती है। कम होती है, वेरी गुड। सो ऑक्सीजन, तो अगर पानी में टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो क्या जो एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स, उनको ऑक्सीजन कम मिलेगी कि ज्यादा मिलेगी? कम मिलेगी। और जब ऑक्सीजन कम मिले, अगर हम बंद कमरे में हो, कहीं खिड़की दरवाजे ना हो, तो हमारा क्या होता है, दम घुटना शुरू होता है ना, किस लिए? ऑक्सीजन की कमी से। ऐसे ही वहां पे, अब आंसर मुझे बताइए, हीट पोल्यूशन ऑफ वाटर किल्स एक्वेटिक एनिमल्स ड्यू टू एस्फिक्सिया। एस्फिक्सिया होता है दम घुटना, करेक्ट कि इनकरेक्ट? करेक्ट, करेक्ट। लेस ऑक्सीजन इज अवेलेबल इन वार्म वाटर एज सोलुबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ट्रू की फॉल्स? फॉल्स, पढ़ो, दोबारा से पढ़ो। थैंक यू। ट्रू है कि हीट पोल्यूशन ऑफ वाटर किल्स एक्वेटिक एनिमल्स ड्यू टू एस्फिक्सिया, बिकॉज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑक्सीजन सोलुबिलिटी डिक्रीजेस इन वॉटर। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। बैठो बेटा, नेक्स्ट एक्सक्यूज मी नेक्स्ट। मैम, हाँ जी बेटा,
Can you explain how oxygen solubility in water decreases? बेटा ये तो एक प्रॉपर्टी है कि कुछ गैसेस की जैसे सॉलिड्स है उनकी तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। पहली बात तो हमारे में ये आपको रेस्पिरेशन में, ये आपको केमिस्ट्री में भी याद रखना चाहिए। वैसे 9th का है ये केमिस्ट्री का, तो बट 10th में आपके यहाँ कि आउट ऑफ CO2 एंड ऑक्सीजन CO2 हैज मोर सोलुबिलिटी इन वॉटर देन ऑक्सीजन। ये इनकी प्रॉपर्टी ही है। हर चीज की सोलुबिलिटी टेम्परेचर इंक्रीज करने से बढ़ती नहीं है कि हम गर्म पानी में चीनी मिलाए तो जल्दी घुल जाती है। नहीं, हर एक की नहीं, गैसेस के अलग है कि कार्बन डाइऑक्साइड पहली बात तो, और यू कैन से ऑक्सीजन इज लेस सोलुबल इन वॉटर। और सेकेंड पॉइंट है इंक्रीज इन टेम्परेचर फर्दर डिक्रीजेस सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन इन वॉटर। ये कैसे, ये तो केमिस्ट्री वाले बता सकते हैं बेटा, मैं तो सिर्फ तुम्हें एक फैक्ट बता सकती हूँ। इसीलिए एक इफेक्ट होता है एलनीनो इफेक्ट। एलनीनो होता है टेम्परेचर बढ़ना पानी का, एनवायरनमेंट का, जिससे बहुत सारे जो है जानवर पानी वाले वो मर जाते। एक हीट वेव आती है एलनीनो, ठीक है, और ड्यू टू एस्फिक्सिया मेनी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। ओके, और इस रीजन के कारण ऑक्सीजन इज लेस सोल्यूबल इन वॉटर। ये आपको अगर हम ह्यूमंस में इसके रिलेटेड क्या चीज है, ह्यूमन के ब्लड में ब्लड ट्रांसपोर्ट्स गैसेस, यस और नो, बट ब्लड के क्या कंपोनेंट्स है, ब्लड के अगर कंपोनेंट्स करेंगे तो प्लाज्मा है, यस, मेनली ब्लड सेल्स, और सेल्स में अगर हम बात करें तो आरबीसी की, जिसमें हीमोग्लोबिन है। इट हैज मोर CO2, वेरी लेस ऑक्सीजन, जबकि आरबीसी में हैज मोर कार्बन, मोर ऑक्सीजन। तो वाई हमें हीमोग्लोबिन की जरूरत क्यों पड़ी, आरबीसी की जरूरत क्यों पड़ी, प्लाज्मा था तो था, इसी में ही ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो जाते, बट नहीं, क्योंकि प्लाज्मा जो है फ्लूइड पार्ट है, पानी है इसमें ज्यादा, देयर एंड ऑक्सीजन इज लेस सोल्यूबल इन वाटर, दैट्स व्हाई ऑक्सीजन इज मेनली ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसी। इज इट ओके, ठीक यस है, तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, Why ऑक्सीजन इज नॉट मच ट्रांसपोर्टेड थ्रू प्लाज्मा, बिकॉज ऑक्सीजन इज लेस सोल्यूबल इन वॉटर। ओके मैम। प्लांट्स डू नॉट हैव, यस, हु विल टेल मी, अनमोल इज देयर, 10th बी, हाँ जी अनमोल, मैम हाँ जी यही सही बोल लो, क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी से। आई थिंक अजर्शन इज इट फॉल्स। बेटे प्लांट्स डू नॉट हैव रेस्पी, जैसे हमारे में लंग्स है, गिल्स है, प्लांट्स में ऐसे कोई स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं होते, ठीक है, और उनमें ट्रांसपोर्ट, हमारा तो ब्लड कॉन्टिन्यूसली फ्लो कर रहा है विद प्रेशर, उसमें तो ऐसा कोई पंप ही नहीं है, उनमें हार्ट जैसा कोई पंप नहीं है, इसलिए ट्रांसपोर्ट बहुत धीरे धीरे है। क्यों है ऐसे, दिस इज ट्रू बेटा, असर्शन ट्रू, रीजन देखो, रीजन की स्टेटमेंट, दिस इज ट्रू, ये ट्रू है बेटा, क्योंकि प्लांट्स के स्क्लेरल काइमा सेल्स, अगर आपने टिश्यूज याद हो 9th का, वो सब डेड है, कॉर्क डेड है, वुड डेड है, बहुत सारी चीजें डेड है, इसलिए उनकी एनर्जी नीड सी थोड़ी सी है,
इसलिए उन्हें इतने ज्यादा स्पेशलाइजेशन की जरूरत है. ठीक है, सो नाइन्थ इज ए. बैठो बेटा. क्वेश्चन नंबर 10, शगुन. बॉयज का नंबर नहीं आ रहा मैं, कोई बात नहीं. चलिए 10th बी शगुन, जल्दी से. हाँ जी, अब क्वेश्चन नंबर 11th 12th. ये जो बॉयज 10th ए में बैठे हैं, फर्स्ट बेंच सेकंड बेंच और 10th बी में भी जो आगे बॉयज हैं, इनसे मैंने पूछना है. यस, हाँ जी बेटा, 10th बोलिए क्वेश्चन. शगुन, assertion is true. assertion is true. अच्छा, पहले assertion true है. आप देखिए, आप वहां पर देखिए, ये लंग्स है, ये डायाफ्राम है, एक और है, ये लंग्स है, और यहाँ पे डायफ्राम क्या हो गया, फ्लैट हो गया. यहाँ पे डायफ्राम कर्व है और यहाँ पे डायफ्राम फ्लैट हो गया. तो अब बताइए मुझे कि क्या ये दोनों डायग्राम्स ठीक है बेटा? Yes. यस, दोनों ठीक है. जब ये कर्व हो जाता है तो हमारी लंग्स की वॉल्यूम कम हो जाती है, तो ये कब है? एक्सपीरेशन या एक्सहेलेशन, और ये है इनहेलेशन. एम आई राइट? तो अब मुझे बताइए कि ये लंग्स की वॉल्यूम यहाँ पे कम यहाँ पे ज्यादा किसके कारण हो रही है? लंग्स की अपनी वॉल के कारण कि डायफ्राम के कारण? डायफ्राम के कारण. तो फिर अब मुझे बताइए कि ये स्टेटमेंट गलत है कि सही है? फॉल्स. फॉल्स है बेटा. सो प्रेजेंस ऑफ 10th का ए ठीक है, रीजन फॉल्स है ऑप्शन सी. बेटा जो लंग्स की, बैठो बच्चे बैठो, लंग्स की वॉल्यूम है वो किसके कारण बढ़ती या कम होती है? डायफ्राम एंड द मसल्स बिटवीन रिब्स. ये याद रखना है कि वॉल्यूम ऑफ लंग्स या थोरेसिक कैविटी थोरेसिक कैविटी क्या है बच्चे? जो ये देखिए, ये मैं थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ कि दिस इज रिब्स के अंदर जो कैविटी है, दैट इज, कैन यू सी इट? रिब्स के अंदर जगह खाली है ना? है ना? और इसके नीचे, रिब्स के नीचे, ये तो बोन्स का है ना, रिब्स के नीचे ये जो है, ये कर्व्स है, यहाँ पे मस्कुलर डायफ्राम होता है यहाँ. ठीक है, तो इसके जो कैविटी अंदर बनी, जो एक जंगला सा रिब केज बन गई, ठीक है, उसके अंदर जो जगह है, दैट इज चेस्ट कैविटी या थोरेसिक कैविटी, जिसमें लंग्स प्रेजेंट है. और लंग्स ना रिब्स के साथ और डायफ्राम के साथ चिपके हुए हैं, वो अलग नहीं है, वो एकदम चिपके हुए हैं. इसलिए अगर डायफ्राम नीचे जाएगा तो लंग्स भी नीचे को जाके उनकी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी. चेस्ट कैविटी, रिब्स आगे को जाएंगे तो लंग्स भी आगे को जाएंगे. इज इट ओके? सो वॉल्यूम ऑफ द लंग्स, इट इज बेस्ड ऑन वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक कैविटी. और थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम किस पे डिपेंडेंट है? मसल्स ऑफ द रिब्स एंड मसल्स ऑफ द डायफ्राम. इज इट ओके? व्हेन डायफ्राम मूव्स डाउन द लंग्स, डायफ्राम मूव्स डाउन, डाउन और यू कैन से फ्लैटन्स, रिब्स मूव अपवर्ड एंड फॉरवर्ड, ऊपर आते हैं और आगे आते हैं. तो मुझे अब ये, एवरीबडी टेल मी,
कि वॉल्यूम इंक्रीज होगी थोरेसिक कैविटी की कि डिक्रीज होगी? जब डायफ्राम फ्लटन हो गया, चेस्ट कैविटी आगे को आई, तो लंग्स फूल गए कि कंस्ट्रिक्ट कर गए? यस, इंक्रीजेस और डिक्रीजेस? इंक्रीजेस वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी और लंग्स इंक्रीजेस। जब वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है, ये ध्यान से लिख भी लेना कहीं पे डायग्राम बना के, जब वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है तो हम क्या कहते हैं, प्रेशर क्या होता है बेटा? प्रेशर इन लंग्स डिक्रीज। आप लेट अस से 40 स्टूडेंट्स इस रूम में बैठे हो और इस रूम को डबल कर दिया जाए, अभी 40 बच्चे बहुत ज्यादा लग रहे हैं, फिर लगेगा कि इतने बड़े इतने थोड़े से लोग हैं, प्रेशर कम हो जाएगा, एक दूसरे से इंटरेक्शन कम हो जाएगी अगर आप बिखर जाओगे, तो प्रेशर डिक्रीजेस एंड एयर मूव्स फ्रॉम, हाँ जी एवरीबॉडी, फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर की लो टू हाई, यस, फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर, देयरफॉर प्रेशर हमारे लंग्स में क्या हुआ है, डिक्रीज कर गया है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरिजन में, तो इसलिए क्या होगा, इनहेलेशन, यस और नो? और जब यही द डायफ्राम बिकम्स डोम शेप कर्व, चेस्ट या रिब्स मूव इनवर्ड एंड डाउनवर्ड्स, द लंग्स और द थोरेसिक कैविटी कॉन्ट्रैक्ट्स, वॉल्यूम डिक्रीजेस, वॉल्यूम डिक्रीज करेगी तो प्रेशर इंक्रीजेस एंड एयर मूव्स फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर, अंदर प्रेशर ज्यादा है बाहर के कंपैरिजन में, क्या होगा, एक्सहेलेशन की इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, एक्सहेलेशन, इज इट ओके, क्लियर है ये चीज? यस, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 10th ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11th, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, यस और नो? यस। सिगरेट स्मोकिंग क्यों इंजूरियस है, क्या प्रॉब्लम होगी, मजे आ रहे हैं पीने दो हमें, क्या प्रॉब्लम है? बट उसका धुआं जाकर हमारी एल्वियोलाई के अंदर जमा हो जाता है, हमारे लंग्स में बहुत सारी एल्वियोलाई क्यों है? अगेन सेम कंसेप्ट जो इमल्सिफिकेशन का था, टू इंक्रीज सरफेस एरिया, ताकि बहुत ज्यादा एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो, राइट? तो इसलिए अगर एल्वियोलाई ब्लॉक हो जाएंगे स्मोक से तो क्या कम हो जाएगा? यस, व्हाट गेट्स रिड्यूस्ड, लेस एक्सचेंज ऑफ, यस, सरफेस एरिया गेट्स रिड्यूस्ड फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, सरफेस एरिया गेट रिड्यूस्ड, लेस एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बॉडी इज डेफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन एंड हैज लॉट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, राइट? So cigarette smoking injurious to health, cigarette smokes block some of the alveoli and thus decrease rate of gaseous exchange in alveoli, true? Yes. Yes, very good. So option A is correct. जल्दी से हम कर लें, टाइम भी हो गया आपका. Cell respiration provides energy for endothermic reactions in the cell, yes or no? Cell respiration is the exothermic process, but it provides energy. ATP, ATP बनाता है cell respiration किस लिए? ताकि जिन reactions को energy चाहिए, वो ATP use कर ले. तो किनको चाहिए? Endothermic reactions को. तो option A is correct. During cell respiration, energy stored in food is converted into ATP. This is also correct. But not correct explanation. So option B, 12th का B. Question number 13.
इन मैमल्स, ध्यान से ये आपने मुझे बताना, टेंथ बी में जो बॉयज बैठे हैं फर्स्ट रो में, कोई सा लड़का मुझे आंसर देगा. इन मैमल्स देयर इज कंप्लीट सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन हार्ट. ट्रू की फॉल्स बेटा? ट्रू है ना. राइट साइड में हार्ट के और लेफ्ट साइड, राइट साइड में क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. राइट साइड में ऑक्सीजनेटेड. क्यों कंप्लीट सेपरेशन है? ताकि हमारे ब्लड में सिर्फ ऑक्सीजन रिच ब्लड जाए. अगर मिक्सिंग हो जाएगी तो हमारी बॉडी को सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलेगी. राइट. तो रीजन है, मैमल्स हैव हाईली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर विच दे रिक्वायर मोर एनर्जी एंड दस मोर ऑक्सीजन. कौन सी ऑप्शन ठीक होगी बेटा टेंथ बी? ऑप्शन ए इज करेक्ट. बेटा क्वेश्चन ये भी आ सकता है, ये तो रीजन असर्शन है. Why in mammals and birds there is complete separation of oxygenated and deoxygenated blood? So answer आप क्या लिखोगे? Because first point क्या है? They have complex organization. Second point, require more energy. और ज्यादा एनर्जी बनाने के लिए रिक्वायर मोर ऑक्सीजन. हाँ जी बेटा. मैम जैसे अगर इसके जो रीजन कुछ और होता है, ऐसे कि जो मैमल्स में सेपरेशन इसलिए होती है ताकि मिक्सिंग ना हो जाए, अगर ये इसका रीजन होता तब भी ए आना था? तब भी यही आना था, बिल्कुल बात ठीक है. Okay. हम ये कह दें कि सो दैट ब्लड इज नॉट मिक्स्ड, as mixed blood provide less oxygen to the body. Okay? चलिए. Next question आता है, arteries always contain oxygenated blood. True की false? True. नहीं बेटा false है. Pulmonary artery carries deoxygenated blood. ठीक है. तो arteries are thin walled and are superficially placed. ये भी गलत है, दोनों गलत है, इसलिए ऑप्शन डी. आर्टरीज आर थिक वॉल्ड एंड डीपली प्लेस्ड. आर्टरीज डू नॉट हैव एनी वॉल्स. ट्रू. यस ट्रू है. वेन्स में वॉल्व होते हैं, आर्टरीज में वॉल्व नहीं होते. क्यों नहीं होते? क्योंकि आर्टरीज में ब्लड प्रेशर से जाता है, इसलिए पीछे आ ही नहीं सकता. ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 15, ऑप्शन ए. इन फिशेस देयर इज सिंगल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड. ट्रू. दिस इज ट्रू. फिशेस ब्रीद एयर थ्रू गिल्स. ट्रू. नहीं बेटा, इट ब्रीद्स वॉटर. ये गलत है ना. इट डज नॉट ब्रीद एयर. ठीक है ना. तो 16th इज E. Left atria has thickest wall in the heart. True की false? कौन से chamber की सबसे thick walls होती है? Left atria की left ventricle. Left ventricle बेटा, क्योंकि इतनी thick wall है कि वो जोर से contract करके सारी body में blood भेजे. एट्रिया ने तो वेंट्रिकल में ब्लड भेजना, उसको थिक वॉल्स क्या करनी? थिक वॉल्स हेल्प्स इन मोर कॉन्ट्रैक्शन. थिक वॉल्स किसके कारण? मसल्स के कारण, ज्यादा मसल्स. तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई. साथ में लिख लेना बिकॉज. क्यों ये गलत है? क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल हैज थिकेस्ट वॉल. लेफ्ट एट्रिया रिसीव्स लॉट. जब असर्शन गलत है और रीजन ट्रू है या फॉल्स है, ऑप्शन डी है इसका. 17th डी. Heart is not meant for ventilation of blood. Ventilation होता है exchange of gases, right? Heart is not meant for ventilation of blood. This is true. Lungs में ventilation होती है, heart में नहीं. Right side of the heart receives deoxygenated blood and left side of heart receives oxygenated blood.
दिस इज ट्रू है ना, बट इसका कोई कनेक्शन नहीं है ऑप्शन जी. हाँ एटीन इज बीटा बॉम्बे. ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड थ्रू फ्लोएम इज यूनिडायरेक्शनल, ट्रू की फॉल्स? फॉल्स है क्योंकि फ्लोएम में किसके थ्रू कौन सी होती है, बायडायरेक्शनल. और फ्लोएम के किस कंपोनेंट के थ्रू फूड ट्रेवल करता है, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स, किसके थ्रू? रिमेंबर दैट, लिख लो साथ में. इन इन फ्लोएम, ये पता होना चाहिए बेटा, सीव ट्यूब्स ट्रांसपोर्ट्स फूड एंड नेक्स्ट पॉइंट लिख लो असाइनमेंट में लिख लो. इन जाइलम वेसल्स ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स. जल्दी से दोबारा से रिपीट करते हो, फ्लोएम में कौन सा कंपोनेंट फंक्शनल है, ट्यूब्स, और जाइलम में वेसल, दोबारा से फ्लोएम में ट्यूब्स. वेरी गुड वेरी ट्रांस फिथा फूड इज ट्रांसपोर्टेड. असर्शन तो गलत है, रीजन ट्रू या फॉल्स, ऑप्शन डी आ जाएगी डेल्टा. क्वेश्चन नंबर 20, ट्रांसपोर्ट ऑफ सुक्रोज फ्रॉम मीजोफिल टिश्यू इनटू द फ्लोएम इज एन एक्टिव प्रोसेस. बिल्कुल ठीक है, मीजोफिल लीव्स में है जो खाना बनाता है, एक्टिव प्रोसेस ठीक है. ट्रांसपोर्ट ऑफ सुक्रोज थ्रू फ्लोएम इज अंडर कंट्रोल ऑफ ट्रांसपीरेशन पोल, ये गलत है, ऑप्शन सी. मैं आंसर्स बता देती हूँ फिर आप करके देखना, और नहीं तो अपनी मैम से पूछना. 21 बीटा बी बी नहीं मेजर प्रोसेस, 21 का ए आ जाएगा. 22 सी, 23 बीटा बॉम्बे, 24 सी एंड 25 ए. ठीक है, ये 5 क्वेश्चंस है आपके साइंस की क्लास में, मैम से पूछ लेना अगर कोई डाउट होगा, बाकी मैंने आपको करवा दी राइट. सो आई थिंक मेनी थिंग्स आर क्लियर. यस यस, चलिए ऑल द बेस्ट. थैंक यू टीचर्स, थैंक यू मैम. ओके जी, बाय बाय. बाय बाय, ऑल द बेस्ट बच्चे.